आज हमको बेरोजगारों के रोजगार की चिंता नहीं, आज हम उलझे हैं 3 तलाक पे, आज हमको जो है देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की चिंता नहीं, हम किसमें उलझे हैं, हम उलझे हैं सिर्फ 3 तलाक पे। अब कश्मीर की समस्या को लेकर मैं दुर्गे जी का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं इस बात में दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि कश्मीर की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफा आ जाता है। क्या लाल बत्ती का जो हटाने का जो ये फैसला था कुछ दिनों बाद नहीं आता जब कश्मीर में अमन चैन आ जाता। कश्मीर जल रहा है, सुलग रहा है, रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं सेना के ऊपर जो है युवक पत्थर फेंक रहे हैं। कुणाल जी थोड़ा सा रोकेंगे हम आपको, कुणाल जी मैंने पहले ही कहा था कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, इतना स्ट्रांग हो गया है, घर घर एंड्रॉइड फोन है, ये इस कारण आ रहा है। अमन चैन क्या पहले भी था क्या? मैं निष्पक्ष होकर बोलूं, अमन चैन यूपीए गवर्नमेंट के समय इनसे कहीं अच्छा था। कश्मीर के हालत पिछले 1.5 साल में बेहद भयावह हुए हैं, बेहद ज्यादा बिगड़े हैं। आपको याद होगा कि साल भर पहले ही जो पूर्व मुख्यमंत्री जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनके कुश्तैनी घर में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया जाता है और पता नहीं चलता। आज लाल चौक कश्मीर का बुरी तरह जल रहा है, पत्थरबाजों जो है सैनिकों के वाहनों में पत्थर फेंक रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, टेररिस्ट घुसपैठ हो रही है, पठानकोट एयरबेस तक में जो है आतंकवादी घुस जाते हैं। इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य देश का क्या होगा? और आज हम लोग उलझे हुए हैं लाल बत्ती। कुणाल जी अपन इस मुद्दे पे आ जाए, जो मुद्दा है।